सबसे अच्छा तरीका घर पर एक्टिंग की प्रैक्टिस करने का मैंने आपके लिए ढूंढ लिया है। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था एक अच्छा एक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि घर पर एक्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस पर एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट वे बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए आप हर रोज़ घर पर एक्टिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप भी ये बेस्ट वे जानना चाहते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कास्टिंग जोया में, जहाँ तक कि मैं आपको समझ पा रही हूँ आप लोग एक्टिंग की प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डायलॉग यानी स्क्रिप्ट नहीं होती, कैरेक्टर को कोई समझाने वाला नहीं होता, ना ही आपके पास कोई रेफरेंस वीडियो होता है जिसे देख करके आप एक्टिंग की प्रैक्टिस कर सकें। ये बात भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो घर पर एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्टिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई टीचर नहीं है जो उन्हें सिखा सके, अगर वो गलती करे तो उनकी गलती को सही कर सके। इसी वजह से आप खुद टीचर हैं, आप खुद ही स्टूडेंट हैं। मैंने काफ़ी सोचा आप लोगों के लिए कि वो कौन सा बेस्ट वे होगा जिसके ज़रिए आप लोगों को रोज़ डायलॉग मिले, रोज़ आपको कोई एक वीडियो देखने को मिले जिससे आप एक्टिंग की प्रैक्टिस कर सकें। काफ़ी सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि बेस्ट वे यही रहेगा कि कितनी सारी मूवीज़ आती हैं, कितनी सारी वेब सीरीज़ आती हैं, हर रोज़ इनके ट्रेलर लॉन्च होते हैं, हर रोज़ इनके टीज़र लॉन्च होते हैं, और वहीं से आपको डायलॉग मिलेंगे और वहीं से आपको एक रेफरेंस वीडियो देखने को मिलेगा जिससे आप लोग घर पर एक्टिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा। आप YouTube तो फॉलो करते होगे, YouTube पर वीडियोस देखते होगे, अब से आपको एक और काम करना है, जो भी मूवीज आती हैं, जो भी वेब सीरीज आती हैं, उनके जो ट्रेलर और टीजर लॉन्च होते हैं उसको हर रोज देखना है। हर रोज देखने के बाद जो भी डायलॉग्स होते हैं, जैसे कि एक टीजर आया उसमें मेल होगा, फीमेल होगा, बच्चे भी होंगे, ठीक है, उसमें से आपको डायलॉग निकालना है कि आप किस में फिट हो। अगर आप एक मेल एक्टर हैं तो मेल का डायलॉग लिख लीजिए, अगर आप एक फीमेल एक्टर हैं तो फीमेल का डायलॉग लिख लीजिए। डायलॉग लिख करके उसको याद करिए, समझिए कि कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि कैरेक्टर आपको आधा इस वजह से समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने टीजर और ट्रेलर देख लिया है, तो आपको तो थोड़ा वहीं से समझ में आ जाएगा। याद करने के बाद आपको एक ऑडिशन रिकॉर्ड करना है। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है कि आपको घर में प्रैक्टिस कैसे करनी है एक्टिंग की। मैं चाहूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, वो वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरीके से और समझ में आएगा कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि काफ़ी बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो आपको वो टीज़र और ट्रेलर देखना है और उसमें से डायलॉग निकालना है, डायलॉग निकाल करके आपको याद करना है, फिर आपको वीडियो शूट करनी है। ये काम आपको हर रोज़ करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आलिया भट्ट की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसका एक टीज़र भी लॉन्च हुआ है, कई सारे लोगों ने उसी डायलॉग पर वीडियो बनाए हैं, मतलब लोगों ने जो वीडियो बनाए जैसे टकटक पे बनाया है तो उन्होंने उन्हीं की वॉइस यूज़ करी है, रील्स बनाए तो वही वॉइस यूज़ करी है, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं करना है, आपको लिपसिंग नहीं करनी है, आपको अपनी वॉइस भी इस्तेमाल करनी है, तब जा करके वो ऑडिशन होगा, तब जा करके वो मोनोलॉग होगा। जैसे कि मैंने लिखा भी है उनका एक डायलॉग, मैंने वो वीडियो देखी, टीज़र देखा, मैंने समझा और उसमें से मैंने एक डायलॉग लिख लिया। आपको भी सेम चीज़ करनी है, कोई भी टीज़र देखना है जिसमें आप फिट होंगे, जैसे कि ये इस ग्रुप का मेरे लिए, तो आप लोगों को क्या करना है कि उस डायलॉग को अपने किताब में लिख लेना है। मैंने ये वाला डायलॉग लिखा, ज़मीन पर बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई, ठीक है, मैंने ये डायलॉग लिख लिया। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि डायलॉग लिख लिया, अब इस डायलॉग को आप समझिए, याद करिए कि आप कैसे बोलेंगे, फिर आप एक्ट करिए और रिकॉर्ड करिए। ये चीज़ आपको रोज़ करनी है। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई टीज़र या ट्रेलर देखें किसी फिल्म या वेब सीरीज़ का, तो उसमें ये देख लीजिएगा कि ये जो ट्रेलर है ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है या फिर काल्पनिक है। अगर जैसे कि किसी की रियल स्टोरी पर होगा तो जो आपने टीज़र देखा है ना, तो आपको उसी तरीके का करना होगा। जैसे कि गंगूबाई एक रियल स्टोरी है, तो आलिया भट्ट ने यहाँ पर अपना वर्जन नहीं डाला है, वहाँ पर उन्होंने मतलब जैसे वो हैं उन्होंने वो नहीं डाला है, क्यों, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है, एक बायोपिक है। अगर आपको ये पता चलता है कि ये जो आपने ट्रेलर देखा है वो एक काल्पनिक है, मतलब ये
सिर्फ राइटर की बनाई हुई स्टोरी है, तो आपको करना सिर्फ इतना होगा कि वहां से डायलॉग निकालने, आपने वो देख लिया ये ट्रेलर ऐसा है, इसने ऐसे डायलॉग बोलने, लेकिन आपको अपनी तरीके से करना है, वहां पर आपको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसी तरीके से रोज ट्रेलर और टीजर देखोगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप रोज एक्टिंग की प्रैक्टिस कर पाओगे। फायदा पहला यही होगा कि आप अपडेट रहोगे एज एन एक्टर, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वेब सीरीज आने वाली हो, कौन सी फिल्म आने वाली है। जब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ट्रेलर और टीजर देखोगे तो आप अपडेट रहोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ ये फिल्म अब आई थी, ये टीजर अब आया है, तो सारी चीजें आपको पता रहेंगी। दूसरा, घर में बैठ कर आपको डायलॉग्स मिलेंगे, अलग अलग आपको डायलॉग बोलने का मौका मिलेगा। तीसरा, आप रेफरेंस वीडियो देख रहे हो, आपको यहाँ पर कोई समझाने वाला नहीं चाहिए कि ऐसा कैरेक्टर है, या फिर कोई रेफरेंस वीडियो आप ढूंढ रहे, आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आपको इससे काफी फायदा होगा, आपकी रोज एक्टिंग की प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे आपकी एक्टिंग भी काफी इम्प्रूव होगी और एक दिन आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।